जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मेरे एक टेलीग्राम सब्सक्राइबर के साथ हुई एक हॉरर स्टोरी के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से सुनना इस स्टोरी को। तो ये जो मेरा सब्सक्राइबर है, इसका नाम आकाश है। ठीक है, आकाश और आकाश के तीन फ्रेंड, ठीक है, वो बचपन के दोस्त थे उसके तीन, ये चार दोस्त थे और ये एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। ठीक है, तो बहुत अच्छे दोस्त थे ये। और इन दोस्तों को भी मतलब कि यूट्यूब में वीडियोस बनाने का बहुत अच्छा शौक़ था, तो ये लोग बनाना चाहते थे वीडियोस यूट्यूब में, बट इन्हीं पैसे के कारण इनके पास अच्छे फ़ोन नहीं थे। ठीक है, और मतलब कि बनाने के लिए माइक्स वगैरह नहीं थे, कंटेंट नहीं था, तो ये लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। तो क्या हुआ कि इनके कॉलेज में एक जूनियर थी इनकी, रिया नाम की, वो एडमिशन जब लेके आई तो आते ही उसने आकाश और इन जो चार लड़के थे इनसे मतलब कि बात बात करनी शुरू कर दी। वो इनसे बहुत क्लोज हो गई और इन आकाश की तो वो गर्लफ्रेंड बन गई। ठीक है, और तो क्या हुआ कि इन चारों लड़कों की गर्लफ्रेंड्स थी, तो आकाश और रिया और उसके जो चार मतलब कि तीन दोस्त थे और तीनों गर्लफ्रेंड, तो ये आठ लोग थे टोटल। तो इन लोगों ने प्लान किया कि हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने प्लान किया कि हम प्रैंक्स वगैरह पहले पहले बनाएंगे। ठीक है, तो दिल्ली की बात है तो ये लोग पहले पहले क्या करते थे कि सीपी में जाते थे और वहाँ पे प्रैंक्स रिकॉर्ड करते थे। कभी कभी तो स्क्रिप्टेड होते थे, कभी कभी मतलब कि ऐसे ही बनते हुए बन जाती थी कुछ कुछ प्रैंक वीडियोज़। तो पहले पहले उनका चैनल इतना ग्रो नहीं कर रहा था, तो ये थोड़ा सा छोटा मोटा चैनल चला रहे थे ऐसे ही, मतलब कि 100 सब्सक्राइबर में, 200 में, 300 सब्सक्राइबर में चला रहे थे। ठीक है, छोटे मोटे पेड प्रैंक्स हो गए, कुछ स्क्रिप्टेड प्रैंक्स हो गए, तो ये चला रहे थे अपना। तो एक दिन क्या है कि रिया जो थी वो अपने नानी के घर गई। ठीक है, और वो कुछ मतलब कि 10-12 दिन में लौट भी आई। ठीक है, और वहाँ से आने के बाद आकाश ने नोटिस किया कि रिया जो है वो थोड़ी सी मतलब चेंज लग रही है उसे। ठीक है, उसके बिहेवियर में चेंजेस हैं। तो वहाँ से आते ही रिया ने क्या किया कि वो मतलब कि इन पर ज़्यादा मतलब कि मेहरबान होने लगी एक तरह से। ठीक, वो आकाश को बोलती थी कि आकाश तुम्हें कोई अच्छा सा कैमरा चाहिए तो बोलना, तो आकाश बोलता था कि मुझे ये कैमरा चाहिए, तो अगले दिन वही कैमरा आ जाता था। माइक्स आकाश को अच्छे मिल गए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया माइक्स थे, बड़े बड़े महंगे महंगे कैमरा, आकाश को उसने आईफोन गिफ्ट किया था, तो बहुत मतलब कि खर्चा कर रही थी वो आकाश ने, जो कि थोड़ा सा अनयूजुअल था क्योंकि आकाश जो है वो एक मतलब कि वेल टू डू फैमिली से था, तो वो इतना खर्चा नहीं कर रहा था, बट रिया उस पर कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर रही थी। तो ये आकाश को बात थोड़ी सी अजीब लग रही थी, बट उसने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका ही फ़ायदा हो रहा था। तो अब क्या किया कि रिया ने क्या किया कि रिया ने बोला कि हम ना एक स्टूडियो बनाते हैं। ठीक है, हम स्टूडियो में पूरा अपना प्रैंक का सेटअप करेंगे, प्रैंक नहीं, हम कुछ और ही बनाएंगे वीडियोस, उसका सेटअप करेंगे। ठीक है, और उस वीडियो में, उस स्टूडियो में हम सब बढ़िया सा सेटअप करके कंटेंट बनाएंगे। ठीक है, तो पहले सपने से डिसाइड किया, ठीक है, हम रिया के घर में स्टूडियो बनाएंगे। ठीक है, तो रिया का ऊपर वाला फ्लोर आकाश ने देख रखा था, तो उसने बोला कि हम उस फ्लोर में स्टूडियोज़ बनाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि रिया ने क्या किया कि मुझे एक महीने का टाइम दो। ठीक है, तो रिया ने एक महीना लिया और उसने स्टूडियोज़ के वो फ़ोटोज़ भेजते ही रहती थी उन्हें, तो बहुत मतलब कि बहुत बढ़िया स्टूडियो बनाया था उनको मतलब उन्होंने, ठीक है, रिया ने। और अब उसने एक दिन क्या किया कि प्लान किया कि तुम ना क्या करो कि सब लोग आ जाओ मेरा स्टूडियो देखने। ठीक है, हम स्टूडियो में देखेंगे और हम पहले दिन यहीं पे आज से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आज हम बोनी करेंगे हमारे चैनल की, आज हम यहीं से वीडियो बनाएंगे। ठीक, तो उन्होंने इसने आकाश को बोला कि आकाश स्पेशली तुम तो हमें पूजा रखी है मेरे माँ ने, तो तुम कुछ बिना खाए आना। ठीक है, तो आकाश ने बोला कि यार ऐसा क्या मतलब कि ये है कि बिना खाए जाना है, तो आकाश ने उतना ध्यान नहीं दिया, तो उसने बोला कि ठीक है मैं जाऊँगा। ठीक है, तो आकाश ने क्या किया कि उन अगले दिन इन जो अपने तीन दोस्त थे, उनकी गर्लफ्रेंड्स और आकाश, ये सब लोग पहुँच गए। तो जैसे ही वो रिया के घर में पहुँचे, तो आकाश पहले भी रिया के घर आ चुका था, ठीक है, चुप चुप के मिलने के लिए। तो उसने बोला कि यार ये रिया का घर इस बार इतना बदला बदला क्यों लग रहा है। तो मतलब कि उनके दोस्तों ने बोला क्यों बदला बदला, क्योंकि यार मैं पहले आया था तो इनका घर पूरा हरा भरा था। ठीक है, वहाँ पे गमलों में फूल वगैरह लगे हुए थे, बहुत मतलब कि अच्छे एक घर में मतलब कि पॉजिटिविटी लग रही थी, बट आज ऐसा कुछ लग नहीं रहा, आज मतलब मुझे कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है इनके घर में। ठीक है, तो आकाश ने बोला कि नहीं यार हम चलते हैं यहाँ से, हम नहीं जाएंगे अंदर, प्लीज़ मुझे अच्छा वाइब नहीं आ रहा है रिया के घर से। तो उन्होंने बोला कि यार तेरी गर्लफ्रेंड है तू नहीं जाएगी तो मतलब ऐसा अजीब होगा, बुरा लगेगा उसे, तो आजा चलते हैं। तो सब लोग अंदर गए, तो मतलब कि ऐसा घर मतलब कि सब ने पहली बार देखा था कि
मतलब कि घर के जो स्काई लाइट्स वगैरह थे उन पे पेपर लगा हुए थे, दरवाज़ों में मतलब कि दरवाजे के जो फोल थे वहाँ पे पेपर थे, जो मतलब कि हमारे खिड़कियों में वहाँ पे पेपर लगे हुए थे। तो मतलब कि एक अजीब सी वाइब आ रही थी उनके घर से, जो कि आकाश तो पहले भी आ चुका था रिया के घर, तो उसे पहला दिन ये सब नहीं दिखा था, तो आज ही पहली बार उसने देखा जब से वो नानी के घर से आया है, आई है रिया। तो उसे पहले पहले थोड़ा अजीब लगा, फिर उन रिया जो जल्दी से भाग के आई, उसकी मम्मी भी उसके साथ ही थी, तो उन्हें नमस्ते किया। और जो मतलब कि रिया है उन वो आकाश को बोला कि आकाश तुम मम्मी के साथ रुको, पूजा में उनके साथ मदद करो और मैं इन सबको ऊपर लेके जाती हूँ, ठीक है। तो अब रिया ने क्या किया कि उन आकाश को छोड़कर बाकी जो 6 लोग थे उन्हें ऊपर लेके चली गई, ठीक है। तो ऊपर जब गए तो उन्होंने बहुत देखा कि बहुत ब्राइट स्टूडियो है, ठीक है, मतलब कि बहुत लाइट्स लगे हैं, लाइटिंग तो बहुत अच्छी है, ठीक है, मतलब कि पसंद आ गई सबको स्टूडियो। तो उन्होंने वीडियोज़ का काम सुनना शुरू कर दिया। तो अब नीचे क्या हो रहा है कि आकाश को उसकी मम्मी ने बोला कि आकाश बेटा तुम जरा बाहर जाके जो मतलब कि वो फूल हैं वो ले जाओगे। तो आकाश जैसे ही बाहर गया गमलों में देखने के लिए, तो उसने देखा कि यार सारे फूल सूखे पड़े हैं, मरे पड़े हैं, और कोई अजीब तरह का फूल है वहीं सिर्फ खिला हुआ है, और वहीं फूल इन्होंने लाने के लिए बोला गया, तो वो लेकर आ गया। तो उसे मतलब कि आकाश को कुछ अंदर ही अंदर कुछ अजीब तो लग ही रहा था कि यार ये ठीक नहीं हो रहा जो भी हो रहा है, ठीक है। फिर भी वो मान ही रहा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड थी वो, बाय द वे। तो हाँ, और हाँ, रिया की मम्मी को भी पता था कि आकाश और रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो उनकी शादी के लिए मतलब कि रेडी थी, ठीक है। तो अब रिया की मम्मी ने क्या किया कि आकाश को बुलाया और ने बोला कि बेटा अंदर आओ और बाबा की मतलब कि पूजा करो। तो जब आकाश अंदर गया एक कमरे में, तो उसने देखा कि कोई अजीब तरह के भगवान हैं जिनका नाम भी कभी आकाश ने नहीं सुना, और वो उनकी एक अजीब तरह की मूर्ति रखी हुई है जिसकी ये जो रिया की मम्मी है वो पूजा कर रही हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि नहीं आंटी, मैं पूजा नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, मैं खा के आ गया था, उसने झूठ बोल दिया। तो मैं चलता हूँ अपने रिया के पास, ठीक है। और जैसे ही रिया की मम्मी ने सुना कि आकाश ने खाना खा लिया है, तो वो बहुत गुस्सा हुई, उसने तेज़ आकाश को डांटा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि खाना खाना नहीं खा के आना, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कहीं मतलब कि दिनों से कुछ चीज़ें मतलब कि एक्सपेक्ट कर रही थी जो कि पूरी होने ही वाली थी, बट आकाश की वजह से नहीं हो पा रही है। तो बहुत गुस्सा होकर उन्होंने बहुत डांटा आकाश को, तब भी मतलब कि आकाश भाग के रिया के पास चला गया और उन्होंने बोला कि रिया देखो बुरा नहीं फील कराना चाहता, मैं भी जाना पड़ेगा मुझे यहाँ से, कि मुझे यहाँ पे अच्छी वाइब नहीं आ रही। तो तभी उसने अपने दोस्तों को बुला कि हम चलते हैं यार यहाँ से, ठीक है। और वो लोग भाग के सीधा आ गए घर, और मतलब कि उन्होंने रास्ते में पूछा कि यार आकाश तुझे क्या हुआ, रिया तो तुझे बुला भी रही थी। उसने बोला कि नहीं यार, मैंने रिया के घर में एक मतलब कि डाइनिंग टेबल पर इतना बहुत अंधेरा था, वो उसे मुश्किल से दिख रहा था, तो उसने देख लिया कि एक मतलब कि अजीब तरह की खून वून पड़े हैं वहाँ पे, कोई अजीब तरह की मूर्ति की पूजा हो रही है वहाँ पे, कुछ अजीब तरह के मंत्र लिखे हैं, कोई एक अननोन सा फूल है वहाँ पे, तो सब कुछ ही अजीब था वहाँ पे। तो वो भाग के आ गया। तो अगले दिन मतलब कि उस दिन रात को जो अपने घर में था, तो रिया की के ना मतलब 200 के आसपास फ़ोन आ गए कि आकाश फ़ोन उठा लो, मैसेजेस आ गए। तो आकाश को मतलब कि पूरा इरिटेशन हो गया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, इरिटेट कर रहा है मुझे। तो आकाश को पता चला कि रिया जो है वो मतलब कि बहुत सारे कॉलेजेस से उसे निकाला गया है इसी बिहेवियर के चलते। तो वो हमेशा पहले पहले तो सबसे बहुत अच्छी तरह से मिलती है, बट कुछ दिनों बाद उसके बिहेवियर में चेंजेस हो जाते हैं। तो उसके बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स हो चुके हैं, बॉयफ्रेंड्स हो चुके हैं, तो सब ने आकाश से मिला और आकाश ने बोल पूछा उनसे, तो सबने ही अपनी नींद की घर बुलाती है और अजीब तरह का घर है उनका। तो अब आकाश को ये समझ में आ गया कि यार उसने कोई बहुत बड़ी गलती करने वाला था वो, जिससे वो बच के आ गई मतलब आ गया है, और उसके दोस्तों की उसने बचा ही लिया। तो उसने रिया को ब्लॉक किया और स्ट्रेंजली क्या हुआ कि अगले दिन से मतलब उस दिन के बाद से उसने रिया को आज तक नहीं देखा, और मतलब कि उसके बारे में रिया के बारे में उसने जानने की भी कोशिश नहीं की, और आज वो जैसा भी है खुश है, ठीक है। तो ये थी आकाश की स्टोरी गाइस, तो बताना कैसी लगी आपको। मेरी एडवाइस ये होगी कि किसी भी अनजान आदमी से पर इतना अच्छे से भरोसा मत कर लेना जैसा कि आकाश ने किया था। तो बताना कैसी लगी आपको ये स्टोरी, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।